और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। रजिस्ट्रार के यहाँ से इस एनजीओ का कोई अस्तित्व नहीं है, ये एनजीओ कहाँ क्या काम कर रहा है कुछ नहीं पता, इसकी कोई डिटेल नहीं है, कोई इस एमओयू में उसकी कोई डिटेल नहीं है कि इसने अब तक कितने महान काम किए हैं, सीएसआर से कितने महान काम किए, कुछ नहीं लिखा हुआ। बस एक एमओयू साइन किया गया कि ये सीएसआर का पैसा लाएगी, इसमें यह भी नहीं लिखा गया कि अफसर दिलवाएंगे सीएसआर का पैसा, लेकिन उसके बाद अफसरों की एक कमेटी बना दी गई कि ये अफसर अब एनजीओ को सीएसआर का पैसा दिलवाएंगे, वो अफसर अब मार्केट में व्यापारियों को धमका रहे हैं इस एनजीओ को पैसा दो, इस एनजीओ को सीएसआर का पैसा दो। तो उस एनजीओ को सीएसआर का पैसा दिलाने के लिए एक एमओयू भारतीय जनता पार्टी करती है अपने ही कार्यकर्ताओं के। फिर जब आज मैंने रजिस्ट्रार के यहां से इस एनजीओ के बारे में पता किया कि यह एनजीओ है क्या, कहां से आया एनजीओ, तो मुझे हैरानी हुई कि इसमें आठ नाम जो लिखे हुए हैं, आठों के आठों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के करीबी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विनोद कुमार जी, संजय ग्रोवर जी, इंदु शर्मा जी, गिरीश मोहन बाकरी जी, अश्विनी शर्मा जी, सतपाल सिंह जी, रमेश चंद्र जी, सिमी पाठक जी, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आदेश गुप्ता जी के एकदम नजदीकी उनकी खास टीम के हिस्से हैं, और ये सब के सब के लिए एनजीओ बना के अब दिल्ली नगर निगम अपने अफसरों से उगाही करवा रहा है कि इनके एनजीओ को सीएसआर का पैसा दिया जाए, वो भी स्कूलों के स्मार्ट बोर्ड लगाने के नाम पर, वो भी कि ये सीएसआर का इनको पैसा दो। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता आपसे थक चुकी है, 17 साल में आपने पूरी दिल्ली को भ्रष्टाचार का कूड़ा घर बना के रख दिया है, अब बस करिए, आपके अब 17-18 दिन का शासन है, इसके बाद जल्दी से चुनाव करवाइए, नए नगर निगम का कानून आपने पास कर दिया है और जनता आपको यहां से पूरी तरह से विदा करने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के नए नए तरीके आप इजाद कर रहे हो उससे जनता अब आजीज आ चुकी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।